तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया ने 2024 का ना वर्ल्ड कप फाइनल जीत चुकी है। तो फाइनल में देख रहे थे एलविस यादव विद अपनी टीम के साथ, तो वहां पे ना एलविस यादव और लक्ष्य ना पास में बैठे हुए थे। तो वहां पे ना सोफे पे ना लक्ष्य ने ना जैसे विकेट निकली ना तो भाई कूद के ना भाई एक जंप लगाया सोफे के ऊपर और भाई सोफा तोड़ दिया। तो भाई अपना लक्ष्य भाई ना ये वाला थोड़ा सा फनी सा क्लिप है, तो भाई ये इसको ना कोई मतलब सीरियसली मत लेना है फनी के लिए। जैसे ही अपने लक्ष्य भाई को पता चल गया भाई सोफा तो टूट चुका, तो भाई लक्ष्य भाई एक सेकंड के लिए तो भाई वो हो गया कि भाई मैंने तोड़ दिया, मैं क्या करूं अभी। मतलब भाई वो जोश चल रहा था ना अपना फाइनल जीतने का, तो भाई लक्ष्य भाई ने एक सेकंड में वो वाली बात ना इग्नोर मार दी, भाई सोफा टूट गया तो टूट गया, अभी भूल जाओ, अभी भाई फिर से चले जाओ मैच के अंदर। तो ये वाली क्लिप आप सबसे पहले यहाँ पे देखो। भाई सोफा टूट गया, भाई सोफा टूट गया, भाई शुगर उधर भी है, इधर 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 की एक लकड़ी टूट गई, कोई नहीं उड़ जाते हैं। इसके बाद ना लक्ष्य को पता चल गया कि भाई यहाँ पे सोफा तो टूट चुका है। इसके बाद ना एलविस यादव को भी पता चल गया, तो एलविस भाई ने ना भाई दिनेश भाई को बोला, या वो घर है ना जो मैच देख रहे वो घर ना दिनेश भाई का ही है, मतलब सोफा वोफा सब कुछ दिनेश भाई का ही है। तो भाई जैसे एलविस यादव ने दिनेश भाई को बोला कि बता मेरे पास आके बैठो, तो भाई दिनेश भाई जैसे बैठे तो भाई वैसे दिनेश भाई जो सोफा था ना वो पूरा नीचे चला गया। तो भाई दिनेश भाई को पता चल गया भाई ये तो टूट चुका है। मतलब शुरू शुरू में तो दिनेश भाई को ऐसा लगा कि भाई ये मेरे से टूट चुका है, तो दिनेश भाई पूरा ना वो हो गया भाई ये क्या हो गया। इसके बाद पता चल गया कि भाई ये तो ऐसे ऐसे हो चुका है। तो वाली क्लिप आप यहाँ पे देख सकते हो। भाई विकेट। इसके बाद आप लोगों को पता होगा भाई लक्ष्य अर्चित और भाई एलविस भाई ना एक फिजिक्स ना वो कर रहे हैं। एलविस भाई बता रहे हैं अर्चित को कि भाई तू यहाँ पे खड़ा हो जा, मैं तुझे ना एक फिजिक्स सिखाता हूँ। तो लक्ष्य की और एलविस भाई की एक चाल थी कि जैसे अर्चित यहाँ पे बीच में खड़ा हो जाए जैसे ही कूद मचाए वैसे पैर से वो करना है नीचे गिराना है। भाई जैसे अपने अर्चित भाई ने जंप लगाया और भाई दे दिया भाई पूरा झटका पीछे से, तो ये वाली क्लिप आप यहाँ पे देख लो। यार गिरा नहीं बेटे पकड़ा है भाई। फिलहाल के लिए तो इतना ही न्यूज था, और आप लोगों को पता होगा कि भाई कटारिया भाई को अनिल कपूर जी ने भाई बोला है कि एलविस आर्मी को बोलो कि आपको सपोर्ट ना करे। तो भाई ये बात तो ऐसे तो भाई ये सही नहीं है, क्योंकि भाई हर किसी के भाई फैन होते हैं और इसको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि बिग बॉस क्यों देखते हैं कि भाई हर किसी कंटेस्टेंट के ना फैंस होते हैं तो उसको सपोर्ट करने के लिए जाते हैं। अनिल कपूर जी ने बोला है कि भाई एलविस आर्मी को बोल दो कि तुमको वोट ना करे, तो भाई ये वाली बात तो मेरे को भाई पर्सनली अच्छी नहीं लगी। लेकिन इसके ऊपर अपने एलविस भाई क्या रिप्लाई देंगे वो तो खैर पता चल जाएगा। तो मिलते बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।